शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माफ करना सेठ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। घबराने की बात नहीं है, अभी हिसाब चुकता करता हूं। साले छोड़ूंगा नहीं। अबे जा, अगली बार पलट के आया तो जीने के बांधे हो जाएंगे। चल। आइए आइए, क्या बात है। आइए साहब, आइए आइए। चलो सेठ, धंधा चालू करो, अब यहाँ कोई लफड़ा नहीं होगा। आज से ये होटल मेरी निगरानी में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज से इसे अपना ही होटल समझो। दोनों टाइम खाना फ्री और 300 रुपए महीना जेब खर्चा। मेहनत की कमाई खाता हूँ सेठ, भीख नहीं मांगता। 300 रुपया कम है। 400 चलेगा? चलेगा। लो कलवा, साहब के लिए स्पेशल खाना बनाओ जल्दी। इतने का तो काम हो गया सेठ, अगले महीने का एडवांस। एडवांस? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया मैं समझ गया। ये लीजिए, 1, 2, 3 और 4 बस। क्या देख रहा है, एक बोतल बियर ला। बियर? बियर तो बाहर से लाऊं सेठ? अबे अंदर से। मुंह क्या लगता है? एकदम ठंडी। साहब बैठिए बैठिए बैठिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे। अबे 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 क्या करते हो तेरी तो? अबे लगती है यार, साले नशे में क्या? अबे मैं विजय हूँ तेरा दोस्त। ईरानी की दुकान में तू भूल गया था कि मैं अजय हूँ तेरा दोस्त? अबे यार वो तो पिटाई, मैंने माल वसूल करने के लिए ड्रामा किया था। बाहर में क्या सा ड्रामा, हड्डी पसली एक हो गई। क्या सॉरी है, ज्यादा लग गया क्या? लामे अबे हट, अब स्त्री खराब करेगा। एक तो शराब पिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अबे वो शराब थोड़ी नहीं थी, वो तो बियर थी। अबे बियर होगी तेरे लिए, मेरे लिए तोप का गोला था। अभी तक साला सर चकरा रहा है। उफ, अब भी चकरा रहा है क्या? नहीं 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 हो सकता अजय। कह दे कि तू मुझसे मजाक कर रहा था, एक गंदा मजाक जो तो फिर कभी नहीं करेगा। गंदा मजाक तो तू कर रहा है विजय, सगे बाप को बाप मानने से इनकार करने को कह रहा मुझसे। जिस एक खुशी के लिए मैं बचपन से तरस रहा हूं उसी का। हेलो, कितना भी भागो अपनी मौत से नहीं भाग सकते शरी, और तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। चाबी इधर से राइट को टर्न करो। आई सेड टर्न टुवर्ड्स राइट। गाड़ी कहने से नहीं स्टीयरिंग से मुड़ती है शरी, और स्टीयरिंग इस समय मेरे हाथ में है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि टर्न टुवर्ड्स राइट। तुमने आज शायद सुबह का अखबार नहीं पढ़ा, रात को यहां एक कत्ल हो गया और लाश का अभी तक पता नहीं चला। चुपचाप बैठे रहो वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मेरी लाश का पता चले ना चले, लेकिन मुझे उस लाश का पता मालूम।
तकलीफ ना हो तो जरा पीछे पलट कर देखो। गाड़ी में लाश, पीछे पुलिस, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। गुड लक, गुड बाय। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं विजय साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, ये गाड़ी भी मेरी नहीं, मुझे तो फंसाया गया। ये फैसला कोर्ट में होगा, चलाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह तुम इस गाड़ी का ध्यान रखो। अच्छा। सेठ घनश्याम दास। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता का दूसरा रूप। मैंने कहा था ना, जिस दिन विजय की माँ मुझे मिल जाएगी उस दिन पुलिस सरपटक के भी मर जाए तो पीके को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि आज पीके उसकी सारी जिंदगी इस बुढ़िया के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और जिंदा रहेगा सेठ घनश्याम दास, जिसे समाज पूछता है, लोग जिससे चंदा लेते हैं और सारी दुनिया झुककर सलाम करती है। मेरा सलाम भी कबूल कर लो अंकल। विजय बेटे, बेटा, माँ, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर, यही है वो खून ही तेरे बाप का कातिल बेटा। तुम फिक्र मत करो माँ। हाँ तो अंकल, आपको हमेशा ये शिकायत रहती थी कि मैं यहाँ आता नहीं, लीजिए आज आपकी शिकायत दूर हो गई, आज माँ भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ ही देर बाद आप इस दुनिया में मौजूद ना होंगे। अरे अंकल, इन खिलौनों के साथ तो मैं बचपन में खेला करता था, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब तो इन हाथों को आपकी गर्दन की जरूरत है। मेरे होते हुए तू क्या इनकी गर्दन तक पहुंचेगा? अपनी माँ से कह बकरे की चांद की खैर मनाए। अरे नमक हराम, ये शेर की माँ है, मैंने बकरी का नहीं शेरनी का दूध पिया है। मैं शेरी, ये मेरा शिकार है। मैंने इसे वचन दिया है कि अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया। फिर कहता हूँ विजय, देख ली मेरी ताकत, और एक बार फिर मौका देता हूँ, फिर मत कहना कि पैर फिसल गया था और मुंह के बल गिर पड़ा। हाँ ये ले बेटा अजय, जीत तो उसी की होती है जो आखिरी बाजी जीते। मैं हर खेल के 14 राउंड हार सकता हूं अजय बेटे, 15वां नहीं। क्यों बच्चे, ये 15वां और आखिरी राउंड है ना? मैंने कहा था ना अजय, आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगा, दुश्मन के घर आया हूं और पूरी तैयारी के साथ। सेठ जी, अपने चमचे से कह दो बंदूक फेंक दे वरना बेटा जाता है। चलिए फेंक दो बंदूक, फेंक दो। विजय बेटे, मेरे मेरे बेटे को गोली मत चलाना, मैं तुमसे कुछ सुलह कर लूंगा। लंबी चौड़ी सुलह की जरूरत नहीं सेठ जी, बस एक गोली, एक गोली तुम्हारे पार कर दूंगा और बेटा बख्श दूंगा।